ओम महागणेशाय नमः, ओम गंग गणपतये नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर एके चौबे आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ देखिए आप सबसे फिर ये विशेष चर्चा करने के लिए। देखिए चर्चा का विषय बताऊँ उससे पहले निवेदन करूँ कि मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर देंगे तो मेरे अगले वीडियो की सूचना सुबह ही आपको मिल जाएगी। तो मित्रों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट में महागणेश आए नमः लिखें और भगवान गणेश का आशीर्वाद पाए। मित्रों अभी देखिए मैं चर्चा क्या कर पाऊँ। देखिए मैंने लिखा 1 अगस्त से 30 सितम्बर तक ग्रह गोचर का विभिन्न राशियों पर स्पेशल प्रभाव, यानी लीब्रा सुपर स्पेशल, तुला राशि के लिए सुपर स्पेशल कंसिडरेशन। तो मैं केवल उन राशियों का कंसिडर कर रहा हूँ जिनका के सुपर स्पेशल लाभ मिल रहा है, यानी 2 महीने अगस्त के सितंबर के महीने 2 महीने बहुत जबरदस्त लाभ धन सुख सब कुछ मिल रहा है। वो तो वही राशियों की चर्चा कर रहा हूँ, मैं हर राशि की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, सुपर स्पेशल कंसिडरेशन। तो तुला राशि के लिए तुला राशि नंबर 7 जहाँ केतु है और देखिए सामने वाले भाव में सप्तम भाव में बृहस्पति बैठे हैं, राहु का कोई असर नहीं है, राहु बाल्यावस्था में चले गए और शनि देखिए पंचम में है और ये शनि और बृहस्पति दो बड़े ग्रह बहुत जबरदस्त लाभ देंगे। पंचम से शनि जो है 11वें को देखेंगे, यहाँ पर 11वें भाव में 5वीं राशि सिंह राशि है। तो सिंह राशि में देखिए अभी तो सूर्य है यहाँ पर 4 कर्क राशि में, फिर सूर्य जो है यहाँ आ जाएंगे, कब आएंगे यहाँ पर 17 अगस्त को यहाँ से सूर्य, और शुक्र अभी यहाँ है वो 7 अगस्त को शुक्र यहाँ आ जाएंगे 7 तारीख। तो देखिए 7 अगस्त तक तो मंगल बुध और शुक्र तीनों यहाँ पंचम भाव में, यानी 11वें पंचम राशि यानी 11वें भाव में लाभ भाव में। तो लाभ भाव में तो भैया शुक्र मंगल बुध तो क्या करेंगे, कोई सोएंगे कोई खेलेंगे, अरे लाभ ही लाभ देंगे क्या मतलब, पैसे ही पैसा लुटाएंगे विभिन्न स्रोतों से, आपको इतने सोर्स मिल जाएंगे पैसा पाने के कि आप तुला राशि वालों कमाल गजब का। और शुक्र बुध का 1 अगस्त से 7 अगस्त तक लक्ष्मी नारायण योग बनेगा जिसमें आपको लक्ष्मी नारायण मीन्स बुध जो है भगवान विष्णु और शुक्र लक्ष्मी माता दोनों मिलकर अपार सुख अपार धन देंगे सब। खास तौर से आप अगर और बृहस्पति शुक्रवार को पूजा करेंगे लक्ष्मी की, बृहस्पति को करेंगे विष्णु भगवान की, बहुत लाभ मिलेगा। देखिए सूर्य 17 को यहाँ आ गए बुद्ध के पास तो बुद्ध आदित्य राज्य बनाएंगे 17 तारीख से लेकर के आखिर 1 महीना तक 17 अगस्त से 17 सितम्बर तक बुद्ध आदित्य राज्य बनेगा। कहाँ पर? लाभ भाव में। लाभ भाव में बुद्ध आदित्य राजयोग में तो धनाधन धनाधन सुख पैसा सब कुछ मिलेगा मित्रों। और शुक्र यहाँ आ जाएंगे जब कहाँ कर्म क्षेत्र में, तो शुक्र यहाँ सूर्य के साथ बैठेंगे 7 से 17 तक सूर्य और शुक्र साथ साथ रहेंगे। तो यहाँ पर फिर सूर्य जो है देखिए राजा है प्लैनेट्स के, शुक्र जैसे गुरु है, दोनों मिलकर के कार्य क्षेत्र में तरक्की देंगे, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान नौकरी में तरक्की। चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा भी यहाँ आएंगे बीच में 2 दिन के लिए, तो चंद्रमा मिलकर के शुक्र मिलकर सूर्य मिलकर के आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की प्रमोशन पैसा लाभ मान सम्मान सारे कार्य पूरे आपके बॉस खुश। और यहाँ से देखिए सूर्य की और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी सुख साधनों पर, तो शुक्र जो है ऐश्वर्य के दाता ऐश्वर्य देंगे, जमीन बंगला गाड़ी सब कुछ देंगे, जो चाहेंगे आप मिलेगा। देखिए 9-10 यहाँ शनि की राशि है और शनि यहाँ बकरी होकर बैठे हैं, बकरी शनि राशि को सपोर्ट करेंगे। तो शनि का सन सप्तक बन रहा है 7वां यहाँ से देखिए ये पंचम भाव में 4-4 ग्रह से सन सप्तक को बन रहा है। और देखिए शुक्र का और सूर्य का देखिए सूर्य का जो केंद्र त्रिकोण राज्य बन रहा है क्योंकि मूल त्रिकोण की राशि है इनकी पंचम भाव में और केंद्र में बैठे हुए हैं। और देखिए बृहस्पति भी जो केंद्र में बैठे हुए हैं यहाँ से बृहस्पति 1 2 3 4 5 यहाँ दृष्टि पड़ रही है जहाँ पर इनका नवम पंचम राजयोग बन रहा है बृहस्पति का,
तो नाम पंचम राजो है, लक्ष्मी नारायण राजो है, बुद्ध आदित्य राजो है, क्या क्या नहीं बनना भाई। और देखिए यहाँ पर 5, 6, 7 यहाँ दृष्टि, 8, 9 यहाँ भी दृष्टि है, तो यहाँ धनु राशि को बड़ा दिख रहा है। धनु राशि को यानी पराक्रम भाव में, तो पराक्रम परिश्रम तो कराएंगे, लाभ भी देंगे, यात्रा कराएंगे लाभ भी देंगे, दोस्तों से मित्रों से लाभ मिलेगा, पड़ोसी से लाभ मिलेगा, यात्रा करेंगे उनसे भाई बहनों से लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो है बुद्ध की राशि है, और बुद्ध यहाँ बड़े जबरदस्त बैठे हुए हैं 11वें भाव में, तो बुद्ध की राशि भाग्य भाव में है, भाग्य बर्धन तो हो गई हुआ जो बुद्ध की राशि है। शनि, बृहस्पति, सूर्य, शुक्र, बुद्ध, मंगल, और देखिए 17 तारीख के बाद मंगल यहाँ आ जाएंगे, 18 तारीख के बाद मंगल यहाँ, 18 अगस्त को यानी समझ लीजिए इफेक्टिवली 19 अगस्त मान लीजिए, और यहाँ पर जो है ये 18 अगस्त को यहाँ आ जाएंगे, और शुक्र जो है यहाँ से सूर्य यहाँ से आ जाएंगे 17 सेप्टेम्बर को। तो 17 सेप्टेम्बर को सूर्य भी आ गए, और मंगल तो थे यहाँ पर, तो सूर्य मंगल यानी राजा और सेनापति मिलकर के 12वें भाव से यानी विदेश यात्रा कराएंगे, विदेश लाभ दिलाएंगे, विदेश से नौकरी, विदेश से व्यापार, तुला राशि वालों का विदेश में कोई संबंध है, और विदेश से देखिए 6वें भाव में दृष्टि पड़ रही है, तो बीमारियां आपकी खत्म हो जाएंगी, आपको कोई रोग पुराने हैं तो ठीक हो जाएंगे, शत्रुओं से कोई भय नहीं रहेगा। मंगल सूर्य दोनों बैठे हुए हैं तो शत्रुओं को तो भगाए जाएंगे, शत्रु हंता, सूर्य मंगल दोनों राजा सेनापति के सामने शत्रु कहाँ रोक सकते हैं, जब सेनापति की तलवार राजा की तलवार निकलेगी तो कोई दुष्ट नहीं बचेगा, यहाँ पर कोर्ट कचहरी से आपको केस चल रहा है वो जीत जाएंगे, और कई पंचम भाव में भी आपको संतान को लाभ मिलेगा, एजुकेशन में लाभ मिलेगा। तो भाई तुला राशि वालों सुपर स्पेशल है आपका भी कंसिडरेशन जो मैं कर रहा हूँ, हर राशि का नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 1 अगस्त से 30 सितंबर यानी पूरे 2 महीने अगस्त और सितंबर आपके लिए धन की बारिश हो रही है। धन भाव में देखिए मंगल की जो है राशि है स्कॉर्पियो, मंगल स्वामी है इसके, देखिए अब मंगल देखिए यहाँ पर बैठे 1, 2, 3, 4 मंगल की दृष्टि पड़ रही है यहाँ से, और जब मंगल यहाँ आ जाएंगे तब नहीं पड़ेगी, पर जब मंगल यहाँ दृष्टि पड़ रही है अपनी राशि पर धन तो मिलेगा ही मिलेगा भाई, मंगल की राशि है, मंगल की राशि यहाँ पर भी है इस भाव भी, और लग्न पर देखिए लग्न में केतु भी बच्चा हो गए, बाल्य अवस्था में आ गए, राहु भी तो कोई खराब, अब कोई दिमाग पर असर नहीं कुछ नहीं, बृहस्पति का बहुत जबरदस्त है, बृहस्पति का और शनि का बहुत ही बड़े ग्रह, और छोटे जो ट्रांजिट में है सूर्य मंगल बुध ये सब बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं। तो तुला राशि को भी अपार स्पेशल कंसिडरेशन है, अपार सुख सुविधा व्यापार में, नौकरी में, सब जगह तरक्की, परिवार भी खुश, पति पत्नी भी खुश, कुटुंब के लोग, सीनियर्स लोग जो सब आशीर्वाद देंगे, मित्रों बहुत ही अच्छा है। तो मित्रों मैं भी यहाँ विराम लेता हूँ, आपसे निवेदन यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जाते जाते कमेंट में महागणेश आए नमा लिखते भगवान गणेश का आशीर्वाद है। मित्रों नमस्कार।